हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करूंगी कि कुछ लड़कियों में ऐसी क्या खास बात होती है कि लड़के उनसे जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ इस हद तक कि वो उनके साथ पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। आखिर उनमें ऐसी क्या क्वालिटीज होती है, तो आज मैं आपको उन्हीं क्वालिटीज के बारे में बताऊंगी जो लड़कों को लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट करती है। देखिए, ये बात तो सच है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सब में कुछ कमियां कुछ अच्छाइयां होती है, लेकिन लड़के भी कभी भी कोई परफेक्ट लड़की नहीं चाहते। उन्हें बस लड़कियों में कुछ क्वालिटीज चाहिए होती हैं जो उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। देखिए, वो कहते हैं ना कि आप अपने रचनाकार खुद होते हैं, आप अपने आप को चाहे जैसा बना सकते हैं। अपने आप को थोड़ा सा अपने आप पे फोकस करके आप अपने आप को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं सब कुछ गॉड गिफ्ट होता है, आप खुद का प्रयास करके अपने आप में वो क्वालिटीज ला सकते हैं। तो देखिए, आज मैं उन क्वालिटीज के बारे में बात करूंगी, उन चीजों के बारे में बात करूंगी जो हर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड में देखना चाहता है, अपने लाइफ पार्टनर में देखना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी लाइफ पार्टनर वैसी हो, और ऐसी लड़कियों से वो जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है और लड़कियों की इन हरकत पर वो नोटिस भी करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ वो कौन कौन सी क्वालिटीज है। सबसे पहली चीज, लड़के अगर किसी लड़की में सबसे पहली चीज कोई नोटिस करते हैं तो सबसे पहले वो उसकी आंखें देखते हैं। वो उसकी आंखों में उसके देखने के तरीके को देखते हैं कि वो लोगों को कैसे देखती है, क्योंकि आंखें किसी भी इंसान की पूरी पर्सनालिटी, पूरे व्यक्तित्व का आईना होती है, क्योंकि आंखें बिना कहे भी बहुत कुछ बोल देती हैं। इसलिए लड़के सबसे पहले लड़कियों को आंखों की तरफ नोटिस करते हैं, और अट्रैक्टिव आंखों वाली लड़कियां लड़कों को जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। दूसरी चीज जो लड़कियों में लड़कियां नोटिस करते हैं वो उनकी फिजिकल अपीयरेंस, कि लोगों के सामने वो कैसे अपने आप को प्रेजेंट करती हैं, लोगों के सामने वो अपने आप को कैसे दिखाती हैं। फिजिकल अपीयरेंस में आती है स्माइल, जो लड़की स्माइल करती है वो लड़कियां लड़कों को जल्दी अट्रैक्ट करती है। देखिए, स्माइल किसी भी लड़की के सुंदरता पे चार चांद लगा देती है। आप सोचिए, आपके सामने बहुत ब्यूटीफुल लड़की है, बहुत सुंदर, जिसकी पर्सनालिटी भी अट्रैक्टिव है, दूसरी तरफ कोई सांवली लड़की है जिसकी साथ पर्सनालिटी उतनी अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन अगर उसके फेस में स्माइल है और इधर दूसरी लड़की के फेस में स्माइल नहीं है, तो आपको वो लड़की पसंद आएगी, आप उसकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होंगे जिस लड़की के फेस में स्माइल होगी, भले ही वो देखने में उतनी अट्रैक्टिव ना हो। तो इस बात का लड़के बहुत ज्यादा नोटिस करते हैं कि अगर लड़की के फेस में स्माइल होती है। स्माइल के साथ साथ लड़के लड़कियों के ड्रेसिंग सेंस को भी देखते हैं, वो कैसे कपड़े पहनती है, उसके कपड़े पहनने का ढंग कैसा है, और कहीं हद तक वो आपके ड्रेसिंग सेंस को देख कर अंदाजा लगा लेते हैं कि आपकी थिंकिंग कैसी है, आपके विचार कैसे हैं, और आपसे किस तरह मिलना और किस तरह आपसे बात करना। इस सारी बातों का अंदाजा वो केवल आपके ड्रेसिंग सेंस से लगाते हैं। तो लड़के लड़कियों के ड्रेसिंग सेंस को जरूर नोटिस करते हैं। तीसरी चीज जो लड़कों को लड़कियों में पसंद आती है वो है उनका चाइल्डिश नेचर के साथ साथ मैच्योर भी होना। वो चाहते हैं उस लड़की में बचपने के साथ साथ मैच्योरिटी भी हो। ऐसा नहीं कि लड़कों के मैच्योर लड़कियां पसंद आती है, लड़कों को लड़कियों के का बचपना भी बहुत अच्छा लगता है। उन्हें अच्छा लगता है कि जब सिचुएशन के हिसाब से लड़की उसको समझे, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग हो, वो सही गलत को समझे, सही गलत में फर्क करे, सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन ले, लेकिन साथ ही साथ उन्हें बचपना भी अच्छा लगता है। उन्हें अच्छा लगता है जो लड़कियां क्यूट हरकत करती हैं, बचपने वाली हरकत करती हैं, वो भी उन्हें बहुत पसंद आती है। तो लड़कों को बचपने के साथ साथ लड़कियों में मैच्योरिटी भी पसंद आती है, वो उसमें भी नोटिस करते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट, देखिए, लड़कियां अक्सर लड़कों को अट्रैक्ट करने के लिए, उन्हें इम्प्रेस करने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए मेकअप करती हैं, लेकिन वास्तव में जो मैच्योर लड़के होते हैं, जो थोड़े समझदार लड़के होते हैं, उन्हें कभी भी ज्यादा मेकअप करने वाली लड़कियां पसंद नहीं आती। उन्हें वो लड़कियां पसंद आती हैं जो लाइट मेकअप करती हैं, जो अपनी नेचुरल ब्यूटी के साथ रहती हैं। तो लड़के ये चीज भी नोटिस करते हैं कि आपने अपने आप को कितना आर्टिफिशियल दिखाया हुआ है, कितने आर्टिफिशियल चीजें यूज करी हुई अपने अपनी स्किन पे, अपनी बॉडी पे, ये सारी चीजें लड़के नोटिस करते हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादा मेकअप करने वाली लड़कियां पसंद नहीं आती हैं। उन्हें हमेशा कम मेकअप करने वाली लड़कियां और नेचुरल ब्यूटी के साथ रहने वाली लड़कियां पसंद आती हैं, तो लड़के लड़कियों का मेकअप भी नोटिस करते हैं। फिफ्थ नंबर पॉइंट, लड़के लड़कियों में ये चीज नोटिस करते हैं कि वो लड़की अपने मेल फ्रेंड्स के साथ या अपने ग्रुप के लड़कों के साथ, ये सारे लड़कों के साथ किस तरह से बिहेव करती है। क्या उसके सभी लड़कों के साथ बिहेव करने का तरीका एक होता है? क्या वो सबके साथ फ्लर्टी नेचर करती है, सबके साथ हंसती है, या सबके साथ बहुत ज्यादा घुल मिल जाती है वो, या लड़कों को लेकर थोड़ा सीरियस होती है, उनके बीच में उतनी बात करती है जितना उसे बोलना होता है, या केवल अपने फ्रेंड्स के साथ घुलती मिलती, ये सारी चीजें लड़के नोटिस करते हैं। क्योंकि लड़कों को हमेशा वो लड़कियां ज्यादा पसंद आती हैं जो
सारे लोगों के साथ फ्लर्टी नेचर नहीं रखती हैं, सबके साथ थोड़ा सा सीरियस होती हैं, अपनी लिमिट रखती हैं, अपनी एक बाउंडेशन रखती हैं लड़कों के साथ। सिक्स नंबर पॉइंट, लड़के लड़कियों के कैरेक्टर को भी नोटिस करते हैं, उनका कैरेक्टर कैसा है। देखिए लड़कों को इस मामले में वो लड़कियां अच्छी लगती हैं जो सही गलत को पहचानती हैं, जिनका इस मामले में बहुत चुलबुला नेचर नहीं होता है, थोड़ा सीरियस होती हैं अपने आप को लेके, थोड़ा मैच्योर होती हैं अपने आप को इस बात में। जब करेक्टर की बात आती है तो इस बात में अगर वो थोड़ी मैच्योर होती हैं तो वो लड़कियां लड़कों को ज्यादा पसंद आती हैं। या करेक्टर से मतलब करेक्टर से तो है ही, मतलब उनके चरित्र अच्छा हो। दूसरा यहां पे ये भी है कि लड़कियों को शर्मीला भी होना चाहिए, लड़कों को हमेशा शर्मीली लड़कियां पसंद आती हैं, और साथ ही साथ उनकी वॉइस पर भी लड़के ध्यान देते हैं। बहुत ज्यादा तेज आवाज वाली लड़कियां जो बहुत चिल्लाकर बात करती हैं वो लड़के नहीं पसंद करते हैं। एक धीमी और मीठी आवाज वाली लड़कियों की तरफ लड़के जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जिनकी आवाज अच्छी होती है और जिनका करेक्टर अच्छा होता है और साथ ही साथ जिनमें साइनेस होती है, शर्मीलापन होता है, वो लड़कियां लड़कों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। सेवन नंबर पॉइंट, लेकिन लड़के लड़कियों में ये चीज जो नोटिस करते हैं कि वो उनके साथ कितना ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। जिसने लड़कियां इस बात को नोटिस करती हैं कि वो उनके साथ कितना ज्यादा कंफर्टेबल है, उसी ने लड़के भी इस बात को नोटिस करते हैं कि किसी लड़की के साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं या नहीं। क्या वो उसे अपनी दिल की बात बता सकते हैं? क्या उसके साथ वो सारी बातें शेयर कर सकते हैं? क्या उनके साथ रह के उन्हें पॉजिटिविटी फील होती है? क्या वो उस टाइम पे खुश होते हैं जब उसके साथ होते हैं? किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं आती उनके मन में? ये सारी चीजें लड़के नोटिस करते हैं लड़कियों में। जिन लड़कियों का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता उनकी तरह भी लड़के बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। एट नंबर पॉइंट, आपके अंदर कितनी भी क्वालिटीज हो लेकिन लड़कों को सबसे ज्यादा लड़कियों के अंदर उनका कॉन्फिडेंस होना पसंद आता है। लड़के सबसे पहले ही नोटिस करते हैं कि लड़की के अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं, मतलब कॉन्फिडेंस कुछ ऐसा कि उन्होंने उनको सच को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। भले उनके पास कुछ चीजें नहीं है, भले सामने वाले के सामने बहुत कुछ है, जैसे कि एक बहुत सुंदर लड़की, एक बहुत ब्यूटीफुल लड़की, एक रिच लड़की, अगर उसके सामने कोई थोड़ी सी गरीब लड़की या थोड़ी सामने दिखने वाली लड़की है, तो इस लड़की को अपने जो सिचुएशन है, अपना जो प्रेजेंट है, उन चीजों को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। वो सच्चाई को एक्सेप्ट कर पाए, अगर वो सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेती है तो वो उससे ज्यादा बेटर दिखती है। उसको समझना चाहिए कि वो जैसी है अच्छी है, उसको अपने आप को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए, उसे अपने आप को परफेक्ट समझना चाहिए। अगर लड़कियों के अंदर ये क्वालिटी होती है तो वो लड़कियां लड़कों को बहुत ज्यादा पसंद आती हैं, क्योंकि लड़कों को हमेशा कॉन्फिडेंट भाई लड़कियां ही अच्छी लगती हैं। देखिये ये जो मैंने आपको बातें बताई ये किसी एक का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि आपकी इसमें कुछ और पॉइंट हो, आपकी पसंद नापसंद कुछ और भी हो सकता है कुछ लड़कों की पसंद नापसंद कुछ और भी हो, वो कुछ और भी चीजें लड़कियों में देखते हो, लेकिन ये चीजें लड़के लड़कियों में जरूर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह लव एडवाइस, लव टिप्स और मोटिवेशनल वीडियो आपकी लाती रहूंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।